लॉकडाउन के चलते इन दिनों पूरे देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक ऑनलाइन स्टडी चल रही है। उत्तराखंड में भी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने महाविद्यालयों में ऑनलाइन स्टडी को लेकर सभी प्राचार्यों की बैठक बुलाई, जहां देहरादून जनपद के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य बुलाए गए। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ऑनलाइन स्टडी के जरिए ही हम छात्रों को सेमेस्टर पूरा करा सकते हैं, इसीलिए सभी प्राचार्यों से सुझाव भी मांगे गए और दिक्कतों के बारे में भी पूछा गया। बैठक के बाद बताया गया कि प्रदेश में करीब 70% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। 70% से लेकर 90% छात्र जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और मुझे पहले दुविधा थी कि जहां नेटवर्क नहीं है वहां कैसे होगी, लेकिन आज मैंने त्यूनी के भी प्राचार्य से बात की, फिर मालदेवता से भी बात की, फिर डोईवाला से भी बात की, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ हो सकती थी दिक्कत हो, लेकिन बहुत अच्छी खबर यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। और सभी प्राचार्यों ने एक स्वर में कल भी कहा आज भी कहा मुझसे कि उपस्थिति जो है, जितने बच्चे पहले डिग्री कॉलेज में आते थे सशरीर, उससे ज़्यादा उपस्थिति ऑनलाइन पढ़ाई में चल रही है बच्चों की। और किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग कराई जा रही है, और छोटे जितने महाविद्यालय हैं उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि करीब 70-80% स्टूडेंट्स उनके ज्वाइन करे हुए हैं, लेकिन बड़े कॉलेजेस में लाइक डीएवी कॉलेज में वहां पर केवल 40% ही लोग ऑनलाइन में जुड़ पाए हैं। और धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि बच्चा घर में बैठा है, धीरे धीरे वो सीख भी रहा है, हमारे टीचर्स भी सीख रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से माहौल लंबे समय तक बना रहा, और कुछ दूर दराज की समस्याएं जरूर हैं इंटरनेट की, और कुछ बच्चे जो कि निर्धन हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनकी समस्या का अगर निदान हो जाता तो ऑनलाइन शिक्षण अपने आप में बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है।